पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ का जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, ये तत्व का विवेचन, जीव की ब्रह्म रूपता सिद्ध करने के लिए सच्चिदानंद रूप बताए, और इसके बाद सृष्टि किस क्रम से हुई है, कैसे जीव जो है संसार में प्रवृत्त हो गया है, संसार की प्राप्ति कैसे हो रही है और निवृत्ति कैसे होगी। तो यहाँ इसी क्रम में 32वें श्लोक में आया कि आचार्य तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश प्राप्त करके 5 कोश का विवेक करके परानिवृत्ति मोक्ष सुख का की प्राप्ति कर लेते हैं। 5 कोश कौन है? तो अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंद, अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय आनंदमय। इन 5 कोशों से आत्मा आवृत है, तो आवृत आत्मा विस्मृत स्वरूप को भूल गया, स्वरूप के विस्मरण से स्वस्वरूप के विस्मरण से जन्म मरण आदि संसार प्राप्ति रूपी संसार की प्राप्ति कर लेता है। उन कोशों का स्वरूप क्या है? तो पहले अन्नमय कोश का स्वरूप दिखा दिए 34वें श्लोक में पूर्वार्ध में, स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देह स्थूलोन्न संज्ञक। पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ स्थूल देह अन्नमय कोश हो गया। फिर आगे 25 श्लोकों में बता दिए थे पूरा, और 37वें श्लोक में ये बताए कि अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक मतलब अनुवृत्ति व्यावृत्ति, आत्मा की अनुवृत्ति सभी अवस्थाओं में अनुगत है, आत्मा हर एक अवस्था में प्रतीति हो रही है, किंतु कोशों की हर एक अवस्था में अनुवृत्ति नहीं हो रही, इसलिए अनुगत आत्मा से कोश भिन्न है। इस तरह से आत्मा को कोशों से अलग रूप से जान करके परब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। तो क्या अन्वय व्यतिरेक है? तो वही दिखाए पहले स्थूल देह का, कि जब हम स्वप्नावस्था में गए तो स्थूल शरीर का भान नहीं हो करके आत्मा का भान हो रहा है, ये अन्वय हो गया। और आत्मा का भान होने पर भी स्थूल शरीर का भान नहीं होना है, व्यतिरेक हो गया। धूम के होने पर वहनी है, वहनी के नहीं होने पर धूम नहीं है, ऐसे ही स्थूल शरीर के नहीं होने पर आत्मा का भान, और आत्मा का भान होने पर स्थूल शरीर का भान नहीं, स्थूल शरीर का भान नहीं होने पर आत्मा का भान, और आत्मा का भान होने पर भी स्थूल शरीर का भान नहीं होना। इस तरह से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आत्मा जो है इनसे भिन्न है, स्थूल शरीर से भिन्न है बता दिए। यहाँ तक 38 श्लोक तक हुआ था, आगे देखिए। स्वामी जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी, विज्ञान शब्द का वैसे अर्थ साइंस होगा क्या? हाँ, विज्ञान शब्द का अर्थ साइंस होगा? यहाँ साइंस नहीं, यहाँ विज्ञान का अर्थ बुद्धि, विज्ञायते अनेनिति विज्ञानम बुद्धि हुआ। हाँ, यहाँ साइंस और विज्ञान में क्या भेद बताएंगे? वहाँ का वो ज्ञान जो ज्ञप्तिर ज्ञानम से, वो एक प्रकार का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान, जैसे कर्म ज्ञान, देवता का ज्ञान, ऐसे लौकिक पदार्थों का ज्ञान। इसी प्रकार लोक में भी जो अन्य सूक्ष्म वस्तुएं है उसका तद विषय को विज्ञान है, तो वही साइंस हो गया विज्ञान। तो ज्ञप्तिर ज्ञानम ऐसी व्युत्पत्ति लेना,
और बुद्धि में ले जाने के लिए तो विज्ञायते अनेनिति विज्ञान बुद्धि। अध्यात्म शास्त्र में तो आत्मा का चिंतन हो, स्वरूप चिंतन होता है ना। विज्ञान तो बाह्य वस्तुओं का विश्लेषण करता है, आत्मा का ऐसे मतलब नहीं विज्ञान को ना। आत्मा मतलब अली आत्मा जी की आत्मा होगा, लेकिन जब हम तुलना करते तो बताते ना, साइंस में ऐसा बताया, अध्यात्म में ऐसा बताया, विज्ञान में ऐसा बताया, अध्यात्म में ऐसा। चलो ठीक है, विज्ञान में बताया, वो जो है शास्त्रीय दृष्टि को लेकर के नहीं वो विचार करते हैं। ठीक है, विज्ञान वाले शास्त्रीय दृष्टि को लेके विचार नहीं करते हैं। भले यहाँ जो है अब बहुत पढ़े लिखे महात्मा लोग हैं तो थोड़ा उधर की बातें बता देते, वहाँ पे ऐसा बताया है, वो कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की। हाँ, क्योंकि यहाँ क्या, यहाँ की बात जो है, हाँ 38, अच्छा 38 की टीका नहीं हुई है, टीका देख लीजिए। अभाने स्थिति स्वप्ने यानी स्वप्नावस्था में स्थूल देहस्य अन्नमय कोशस्य अभाने अप्रतीतौ सत्यम। स्वप्नावस्था में स्थूल देह जो अन्नमय कोश है उसका भान नहीं होने पर, यानी भान नहीं होने मतलब अप्रतीतौ सत्यम, प्रतीति नहीं होने पर, स्थूल शरीर की प्रतीति नहीं होने पर भी जो आत्मनः प्रतीचो यद भान, आत्मा जो है प्रत्यगात्मा, प्रतीच प्रत्यगात्मा, उसका जो भान हो रहा है स्वप्न साक्षित्वेन यत् स्फुरणम् अस्ति, स्वप्न के साक्षी रूप से जो आत्मा का भान हो रहा है, स्वप्न को जो जानने वाला है, प्रकाशन करने वाला, तो साक्षी रूप से जो आत्मा का स्फुरण हो रहा है, यही देखिए आत्मा का अन्वय हो गया, आत्मा का भान हो गया, स्थूल शरीर का भान नहीं है। तस्यामेव स्वप्नावस्थायाम तद भाने, और व्यतिरिक्त देख लीजिए, जैसे धूम होने पर वहनी है, वहनी होने पर, वहनी नहीं होने पर धूम नहीं है, ऐसे स्थूल शरीर का भान नहीं होने पर आत्मा का भान होना अन्वय हुआ, अनुगति हो गई, प्रतीति। और अब स्थूल शरीर इसका आत्मा का भान होने पर भी स्थूल शरीर का भान नहीं हो रहा है, व्यतिरिक हो रहा है, यही दिखा रहे व्यतिरिक। तस्यामेव स्वप्नावस्थायाम तद भाने, उसी स्वप्नावस्था में तद भाने तस्य आत्मना स्फुरणे सति, उस आत्मा का स्फुरण होने पर अन्यानवभासनम, हाँ स्थूल शरीर का भान नहीं होना, अन्य से स्थूल देह से अनवभासनम, अन्यानवभासनम का अन्य से शब्द से लेना स्थूल देह, इसलिए अर्थ कर रहे उस पद का, अन्य से स्थूल देह से अनवभासनम यानी अप्रतीति, यही है व्यतिरेक, इसी को अप्रतीति को ही व्यतिरेक शब्द से कहते हैं। व्यतिरेक किसका व्यतिरेक हो गया, स्थूल देह से शेष, आत्मा का तो अन्वय हुआ, स्थूल देह का व्यतिरेक हो गया। अस्मिन् प्रकरण अन्वय व्यतिरेक शब्दाभ्याम अनुवृत्ति व्यावृत्ति उच्चेत, इस प्रकरण में अन्वय और व्यतिरेक शब्द के द्वारा अनुवृत्ति और व्यावृत्ति लिया जाए, कौन अनुगत हो रहा है, कौन अनुगत नहीं हो रहा है, किसका भान हो रहा है तो अनुवृत्ति हो गई, जिसका भान नहीं हो रहा है व्यावृत्ति हो गई, ये अन्वय व्यतिरेक लेना, बाकी उसके होने पर हो रहा है, उसके नहीं होने पर ऐसा नहीं, भान भान को लेकर के यहाँ अन्वय व्यतिरिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए आगे, इस तरह से 38वां श्लोक पूरा हुआ। आगे एवं स्थूल देहस्य अनात्मत्वावबोधकौ अन्वय व्यतिरेकौ दर्शयित्वा, स्थूल शरीर में अनात्मकता का अवबोधक है अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक से ही मालूम पड़ा स्थूल शरीर आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहता है, स्थूल शरीर तो स्वप्न अवस्था में उसका व्यतिरेक है, अभाव है उसका, उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, तो स्थूल शरीर में अनात्मत्व का, आत्म भिन्नत्व का अवबोधक जो अन्वय व्यतिरेक है, अनुवृत्ति व्यावृत्ति दिखा करके दर्शयित्वा लिंग देहस्य तथात्वावगमकौ तौ दर्शयति, लिंग शरीर में अनात्मत्व का जो गमक है, अवगमक बोधक अन्वय व्यतिरेक को अब दिखाते हैं। श्लोक नंबर 39 लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगाभाने
लिंगस्य भानमुच्यते। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्याद् आत्मनो भानम अन्वय। सुषुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था है तो उसमें लिंग शरीर का भान नहीं होने पर, स्वप्नावस्था में तो सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर का भान है, लेकिन गहरी निद्रा में सुषुप्ति अवस्था में चले गए तो लिंग शरीर का भान नहीं होने पर भी आत्मन आत्मा का भान तो होता है। मैं था ऐसा स्मरण होता है, स्मरण से ही अनुभव मानना पड़ेगा, इसलिए आत्मा का भान है, यही अन्वय हो गया, मतलब अनुगति हो गई, अनुवृत्ति हो गई। तो सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होने पर आत्मा का भान होना अन्वय, और आत्मा का भान होने पर सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होना ये व्यतिरिक्त। व्यतिरेकस्तु तद भाने, तत् से ले लीजिए आत्मा को। आत्मा का भान होने पर लिंगस्य अभानम, सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होना यही है व्यतिरेक, यही व्यतिरेक कहा जाता है। टीका में देख लीजिए, लिंगेति सुषुप्त यानी सुषुप्त अवस्थाया, सुषुप्ति अवस्था में लिंगाभाने यानी लिंगस्य सूक्ष्म देहस्य अभाने, भान नहीं होने पर, अप्रतीतौ प्रतीति नहीं होने पर आत्मनोभान, तो भी आत्मा का भान तो हो ही रहा है, कैसे भान हो रहा है, तद अवस्था साक्षित्वेन, उस सुषुप्ति अवस्था के साक्षी रूप से। अगर आत्मा नहीं होता तो शरीर इंद्रिय आदि भी नहीं है तो सुषुप्ति अवस्था को जानता कौन, सुषुप्ति अवस्था को नहीं जान पाती कोई अगर आत्मा नहीं होता वहां पे, तो प्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं होता, इसलिए उस अवस्था के साक्षी रूप से जो आत्मा स्फुरणम आत्मनो, आत्मा का स्फुरण हुआ, ये अन्वय स्यात्, ये अन्वय हो गया। तद भाने आत्म भाने लिंगस्य भान, आत्मा का भान हुआ लेकिन लिंग शरीर का भान नहीं होना, लिंग देहस्य अस्फुरणम व्यतिरेक उच्यते, यही है व्यतिरेक। आत्मा का भान हो रहा है लेकिन सूक्ष्म शरीर का भान नहीं हो रहा है, स्फुरण नहीं हो रहा है, व्यतिरेक हो गया। तो जिसका व्यतिरेक हो रहा है वह अनात्मा, व्यतिरेक अभाव वह अनात्मा है, और जिसके जिसकी अनुगति हो रही है, जिसका ज्ञान हो रहा है, इसलिए वह है, उसकी सत्ता है, तो वही आत्मा है, बाकी अनात्मा हो गए। इस तरह से यहाँ पे पांचों कोषों से व्यतिरेक, तब यहाँ पे सुख कारण शरीर तो रह गया, अभी आगे बताएंगे, पहले एक बीच में एक और शंका है। ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृता संगम संगतम, पंचकोश के विवेचन का उपक्रम करके आरंभ कर, तो पांच कोश तो पांच है, अन्नमय कोश है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, तो पंचकोश विवेचन का आरंभ करके लिंग देह का विवेचन कर रहे हो आप, बताना कुछ और है, बता दूसरी बात रहे हो भाई, जो बताना चाहिए पंचकोश का ही विवेचन बताइए, सूक्ष्म शरीर का विवेचन करना ये प्रकृति विषय के असंगत है, जिस विषय की चर्चा चल रही है उसके असंगत है, उससे संगति नहीं बैठ रही है। ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृता संगम संगतम, प्रकृति में संगत नहीं है, प्रकृति विषय के साथ इसका संबंध नहीं, इत्याशंक है, ऐसे ही कोई आशंका कर सकता है, उस आशंका का उत्थापन करके बता रहे कि नहीं। प्राणमयादि कोश त्रितयस्य तत्रयो अंतर्भावः, बोले जो तीन कोश है ना, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये तीन के तीन कोश सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक सुषुप्ति में दिखा दिए, तो यानी तीनों के तीनों कोश नहीं है, तीनों कोशों से एक साथ में विवेचन हो जाता है, इसलिए प्राणमयादि कोश त्रितयस्य तत्रयो अंतर्भावात्, उसी सूक्ष्म शरीर में अंतर्भाव होने से न प्रकृता संगति, प्रकृति विषय के साथ कोई असंगति नहीं इत्याह, इसी बात को श्लोक नंबर 40 में दिखा रहे हैं। तद विवेकाद् विविक्ता स्युः, तद विवेकाद् विविक्ता स्युः कोशः प्राणः मनो धियः,
ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथक कृता। हाँ बोलिए, क्या शंका है आपकी? ये ऐसा कई बार सत्संग में सुना गया अवस्था प्रतीतम। हाँ जी, तो अवस्था प्रतीतम में ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गए हैं तो वो सुषुप्ति और स्वप्न में नहीं जाते हैं, वो तो अपने स्वरूप में ही रहते हैं। हाँ उनके वो तो अपने स्वरूप में ही है, वो तो ये तो अज्ञानी चर्चा तो अज्ञानी की होती है ना भाई। शास्त्र किसके लिए सार्थक है, ज्ञानी के लिए का अज्ञानी के लिए? तो ज्ञानी के लिए तो शास्त्र व्यर्थ है, वो तो जब स्वरूप को जान लिया तो उसके लिए व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन सार्थक है क्या? हाँ तो जो अज्ञानी के लिए शास्त्र है ये सब। हाँ अब वो वास्तविक स्वरूप का बोध करा ना, भ्रांति से अपने आप को जो है नहीं समझ पा रहा है, तो भाई ज्ञानी भी जो है पहले इन्हीं सब बातों के वाक्यों के माध्यम से शास्त्र के माध्यम से ही उस स्वरूपावस्थिति को प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ वो गंतव्य बताना पड़ेगा ना भाई, वो स्वरूप ऐसा है, आप जो है भ्रांत हो, भ्रांति से जो है कोषों को आत्मा मान रखे हो, तो स्वरूप स्वरूप तो पांचों कोषों से अतीत है ही। हाँ हाँ, देह त्रयातीत, देह देह तीनों देहों का भान नहीं है ज्ञानी को, मतलब बाधित बाधित प्रतीति होगी पूर्व के संस्कार से, भले प्रारब्ध लेस जो है अविद्या लेस से जो है व्यवहार हो जाता है, लेकिन वो बाधित प्रतीति होती है। चलिए देखिए, तो तद विवेकाद विविधता से, ये जो सूक्ष्म शरीर से विवेचन बता रहे हैं, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के विवेक से ही प्राण प्राण मनोधीय कोषा विविधता सु। देखिए अन्वय देख ले, समझ लीजिए कि तद विवेकात प्राण मनोधीय कोषा विविधता स्यु, ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रात पृथक रही, ही को पहले कर दे, ही अस्मात ते तत्र गुणावस्था भेदा मात भेद मात्रात पृथक कृता। उत्तरार्ध का तो सही है, पूर्वार्ध का तद विवेकात विविधता, तद विवेकात प्राण मनोधीय कोषा विविधता स्यु, उस सूक्ष्म शरीर के विवेचन से ही प्राणमय मनोमय विज्ञानमय ये तीनों की तीनों कोष विविक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही यानी क्योंकि यस्मात ते तत्र ते गुणावस्था भेद मात्रा पृथक कृता, एक ही सूक्ष्म शरीर में तीनों के तीनों कोष तो है किंतु गुणों की अवस्था भेद को लेकर के अलग अलग माने जाते हैं। सात्विक सत्व गुण का कार्य मिले हुए सत्व गुण का कार्य अंतःकरण है, अलग अलग सत्व गुण का कार्य इंद्रिया है, तो अंतःकरण और इंद्री को मिला करके विज्ञानमय और मनोमय कोष हो जाता है। निश्चयात्मिका वृत्ति को लेकर के बुद्धि मानते हैं, तो सत्व गुण वाली बुद्धि और सत्व गुण वाले इंद्रियों को लेकर के विज्ञानमय कोष, सत्व गुण वाले मन और सत्व गुण वाले इंद्रियों को लेकर के मनोमय कोष, और रजोगुण वाला पंच प्राण और रजोगुण से बने हुए पंच कर्म इंद्रियों को लेकर के प्राणमय कोष। तो गुणों की अवस्था भेद मात्र से ही ये तीन कोष अलग अलग सूक्ष्म शरीर में माने गए हैं, लेकिन तीनों के तीनों कोष उसी सूक्ष्म शरीर में ही आते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर का विवेचन कर देने से ये तीनों की तीनों कोष एक साथ में विविक्त हो जाते हैं, आत्मा से उनका विवेचन कर लिया जाता है। इसलिए तीन अलग अलग कोष का विवेचन नहीं दिखा करके सीधे सूक्ष्म शरीर का ही विवेचन यहाँ पे दिखाया गया। अरे तद विवेकाद यानी तस्य लिंग शरीर से विवेकाद, टीका में चल रहे 40वें श्लोक की, तद विवेकात शब्द आया श्लोक में, उसका अर्थ है तस्य लिंग शरीर से विवेकात, उस सूक्ष्म शरीर के विवेचन से ही विवेचनात् प्राण मनोधीय कोषा विविधता यानी आत्मन पृथक कृता स्युः। इस सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के विवेचन से ही प्राण मन और बुद्धि, प्राणमय कोष मनोमय और विज्ञानमय, एतन नामका कोषा,
इस नाम वाले जो तीन कोष है, ये तीनों की तीनों कोष विविकता यानी आत्मना पृथक्कृता स्युहु, आत्मा से पृथक्कृत हो जाएंगे। कुतः इत्यतः, कैसे कैसे जो है पृथक कर लिए जाएंगे, बोले ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्कृता। ही को पहले लेजे, ही यानी अस्मात् कारणात्। ते प्राणमयादय, वे जो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तीनों कोष है, वो तीनों एक ही सूक्ष्म शरीर में है। तत्र यानी तस्मिन लिंग शरीर, उसी लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में गुणावस्था भेद मात्रा, गुणों की अवस्था भेद मात्र से, गुणयो हो सत्व रजसोर अवस्था भेद मात्रा, गुण जो सत्व और रज, इनकी अवस्था भेद मात्र से ही, यानी गुण प्रधान भावेन अवस्था विशेषा देव, गुण प्रधान भाव से अवस्था विशेष से ही ये पृथक कृता पृथक कर लिए जाते हैं, यानी भेदेन निर्दिष्टा, भेद रूप से वो निर्दिष्ट हो जाते, इत्यर्थ भिन्न रूप से कह दिए जाते हैं, ये तात्पर्य है। इदानीं आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य। अब देखिए, पहले स्थूल शरीर अन्नमय कोष का विवेचन कर दी, लिंग शरीर के विवेचन से तीन और कोष का विवेचन, चार कोष का हो गया, अंतिम कोष बचा आनंदमय कोष। तो ये जो क्षणिक सुख है, प्रिय मोद और प्रमोद वाली तीन वृत्तियां है, इन तीन वृत्तियों के सहित जो मलिन सत्व है कारण शरीर में, वही आनंदमय कोष कहा जाता है। तब उस आनंदमय, हाँ जी कुछ है क्या, बोलिए बोलिए। क्या होगी, नहीं नहीं बिन अनुभूति बिना स्थूल शरीर के नहीं होती भाई। आप तर्क संग्रह पढ़े हो, उसमें स्थूल शरीर का क्या लक्षण आया है, यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा, लक्षण आया है कि नहीं। हाँ, यद भोगाय, भोगायतन जो सूक्ष्म शरीर होता है, भोग का आयतन नहीं, भोग का करण है। सूक्ष्म शरीर क्या है, भोग का करण, उसके माध्यम से जो है, जैसे हमको कुछ विषय को देखना है, देखेंगे सुख दुख मिलेगा, तो सूक्ष्म शरीर साधन बनता है, और भोग का आश्रय स्थूल शरीर है। इसलिए जब सूक्ष्म शरीर नरक में जाएगा, पापी कोई पुरुष है नरक में गया, तो उसको एक यातना शरीर मिलेगा अलग से, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं भी देख लो, पुराण उठा के देख लो, बिना देखो लक्षण जो है, भोग का आश्रय स्थूल शरीर है, बिना स्थूल शरीर के सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए वह जीवात्मा जो है यातना शरीर के माध्यम से वो नरक में वो दुख का अनुभव करेगा, और स्वर्ग में जाएगा तो देवताओं का शरीर मिलेगा। तो स्थूल शरीर से ही सुख दुख का अनुभव होता है। यातना शरीर के, यातना शरीर के अलावा एक दिव्य शरीर की बात आती है। हाँ, दिव्य शरीर और स्वर्ग के लिए, वो देवताओं का शरीर दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर हाँ, महात्माओं का भी वो दिव्य शरीर ठीक है, बोलते हैं कहाँ, उसका निषेध नहीं है, है ना। कहाँ का प्रसंग लेके बता रहे, वो तो ध्यान नहीं है। अब तो बोला, वो तो 18 पुराण है, कहाँ की बात लेके कोई बोल रहा है, तो नहीं, ये प्रसंग के अनुसार अर्थ करिए। हाँ, जहाँ जैसा प्रसंग आया। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ेगा 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 ना, स्थूल शरीर में जाके यात्मा शरीर में जुड़ गया, अथवा देवता शरीर में जुड़ गया, बिना करण और बिना भोग के अधिष्ठान के नहीं हो पाएगा ना। चलिए, तदानीम आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य। अब जो आनंदमय कोष रूप से विवक्षित हुआ है, जो कारण शरीर आनंदमय कोष रूप से कहने के लिए अभिष्ट है, विवक्षित है, वक्तुमिष्ट है, जो कारण शरीर, उस कारण शरीर से विवेचनोपायम, उसके विवेचन का उपाय बता रहे, कैसे हम जानेंगे कि कारण शरीर अनात्मा है, आत्मा उससे अलग है। इसके लिए
श्लोक नंबर 41 हम लोग देखेंगे। सुसुप्त्या भाने भानं तो समाधावात्मनोन्वय व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्य नवभासनम्। सुषुप्त्य भाने भानम, तो यहाँ सुषुप्ति शब्द से लक्षित हो रहा है कारण शरीर, क्योंकि सुषुप्ति में कारण शरीर अज्ञान की विशेष रूप से अभिव्यक्ति है। तो जैसे मंचा क्रोशन्ति, ये न्याय है, मंच में मंच चिल्ला रहे हैं, तो मंच मतलब मंच में स्थित पुरुष चिल्ला रहे हैं, मंच में स्थित। इसी प्रकार सुसुप्ति में स्थित जो कारण शरीर, सुसुप्ति का आभान मतलब सुसुप्ति में स्थित कारण शरीर का आभान होने पर भी, देखिए अन्वय करना, तो यानी किंतु पहले ले लीजिए, हाँ अच्छा तू बाद में लेना पहले। समाधव सुसुप्त्या भानी आत्मनस्तु भानम अन्वय, ये अन्वय हो गया पूर्वार्ध का। समाधव सुसुप्त्या भाने आत्मनस्तु भानम अन्वय, व्यतिरेकस्तु आत्मभाने, नहीं पहले तो उत्तरार्ध मिले, आत्मभाने तु सुसुप्त्या नव भाषणम व्यतिरेक, इस तरह से अन्वय हो जाएगा। समाधि दशा में, तो समाधि दशा है वो आगे बताएंगे, आगे श्लोक आ रहा है, समाधि निर्विकल्पक सविकल्पक, जो त्रिपुटी जिसमें रहती है ध्याता ध्यान ध्येय, उसको सविकल्पक समाधि कहते हैं, और जिसमें केवल ध्येयाकार वृत्ति हो जाए वो निर्विकल्पक समाधि होती है। तो ये समाधि आगे लक्षण बताएंगे, समाधि वक्ष समाधव वक्षमाण लक्षणायाम, जिसका लक्षण आगे बताया जा रहा है, इसी समाधि में सुसुप्ति यानी कारण शरीर का भान नहीं होता। वहाँ तो वेदांत की समाधि जड़ समाधि नहीं है, वेदांत की समाधि उसमें जो है ब्रह्म आत्माकार वृत्ति रहती है, हम आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप, ना ज्ञानम ना पी तत्कार्यम, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद द्वयम प्रत्येक भूत चैतन्यम ब्रह्मैव अहम अस्मि इति अभेदेन अवस्थानम समाधि। तो ब्रह्म के साथ में अभेद रूप से जो अनुभव होना, यही समाधि वेदांत की है, अलग से नहीं, अभेद रूप से अनुभव जो हो रहा है, ब्रह्म रूपता का अनुभव, ब्रह्माकार वृत्ति, ये समाधि है। तो समाधि में अज्ञान का तो नामो निशान नहीं है, एक बार ज्ञान हो गया अज्ञान बाधित हो जाता है। तो समाधि दशा में सुसुप्ति यानी सुसुप्ति में स्थित कारण शरीर का भान नहीं होने पर भी, किंतु आत्मा का तो भान होता है, ये अन्वय हो गया। और व्यतिरिक्त देखिए, आत्मा का भान तो हो रहा है और कारण शरीर का भान नहीं, सुसुप्ति का भान नहीं हो रहा है, ये व्यतिरिक्त हो गया। आत्मभाने तु सुसुप्त्यनवभासनम व्यतिरेक, उसकी व्यावृत्ति हो गई, व्यावृत्ति उसका भान नहीं हो रहा है, ये उसका व्यतिरेक हो गया। इसलिए कारण शरीर भी आत्मा नहीं है, आत्मा इनसे अलग है। टीका में देख लीजिए, सुसुप्ति थी समाधव वक्षमाण लक्षणायाम समाध्यवस्थायाम, समाधि तो आगे उसका लक्षण किया जा रहा है, तो समाधि अवस्था सुसुप्त्या भाने, सुसुप्ति का भान नहीं होने पर, यानी सुसुप्ति शब्दोपलक्षितस्य कारण देह रूपस्य अज्ञानस्य प्रतीतम्। सुसुप्ति शब्द के द्वारा लक्षित जो हो रहा है कारण शरीर रूपी जो अज्ञान, तो उस अज्ञान में अज्ञानस्य, अच्छा एक नंबर टिप्पणी भी दिया है समाधि के ऊपर, समाधि अवस्था तो, समाधि अवस्था तो कही गई है, लीने पूर्व विकल्पे तु यावद अन्यस्य नोदय निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावद विभासति। पूर्व का विकल्प लीन हो गया है और आगे का विकल्प अभी उदित नहीं, समाधि हमेशा तो रहेगी नहीं भाई, ज्ञानी एकदम सात्वी अवस्था में आ गए तो हमेशा समाधि में ही रहेंगे, अब तो दोबारा वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अन्य जो है, जो पाँचवीं चतुर्थ अवस्था, पंचम है ना, जो शुभेच्छा सुविचरणा तनुमानसा सत्वापत्ति, चतुर्थ अवस्था से ज्ञान की अवस्था है,
सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भाविनी तुर्यगा। तो जो तीन चतुर्थी पंचमी और षष्ठ अवस्था में वो समाधि में जाके बाहर आते हैं, इसलिए वही कह रहे हैं कि लीने पूर्व विकल्प है, पूर्व विकल्प का लीन होने आने पर यावद अन्य सिंधोदय, अन्य का आगे उदय नहीं हुआ है, तो बीच में जो निर्विकल्पक चेतन स्पष्ट रूप से विभासित हो रहे वही समाधि दशा इत्यादि ना उठता इत्यादि के द्वारा कही गई। आगे एक श्लोक आएगा समाधि के विषय में, तो प्रथम प्रकरण में ही आगे आ रहा है, कोई बात नहीं है, वो श्लोक 55 इत्यादि से आ जाएगा, 54-55 इत्यादि में आया है। तो ये जो इस अवस्था में सुषुप्ति शब्दोपलक्षितस्य कारण देह रूपस्य अज्ञानस्य प्रतीतः, सुषुप्ति शब्द के द्वारा लक्षित हो रहा है जो कारण शरीर रूपी अज्ञान, उसकी प्रतीति नहीं हो रही होने पर आत्मा का तो भान है, आत्मनस्तु तु शब्दो अवधारणे, अवधारण अर्थ में आत्मा का तो भान है ही, आत्मनयो भानम स्फुरणम यद अस्ति, आत्मा का ही जो भान वहां पे हो रहा है स आत्मनो अन्वय, वही आत्मा का अन्वय हो। आत्मभाने यानी आत्मना स्फूर्तौ सत्या, आत्मा का स्फुरण होने पर सुसुप्त्या नव भाषणम, सुसुप्ति का भान नहीं होना मतलब सुसुप्त्युपलक्षितस्य अज्ञानस्य अप्रतीति रेव व्यतिरेक, सुसुप्ति से उपलक्षित जो अज्ञान की प्रतीति नहीं होना यही हो गया व्यतिरेक, तस्य अज्ञान का व्यतिरेक हो गया, उसका प्रतीति नहीं हो रही। अत्रायम प्रयोग, तब यह अनुमान के द्वारा पांचों कोशों से आत्मा भिन्न है ये निश्चय हो जाए, प्रत्येक आत्मा अन्नमयादिभ्यो भिद्यते, प्रत्येक आत्मा अन्नमयादि पांचों कोशों से भिन्न है, क्योंकि हेतु क्या है, तेषु परस्परम व्यावर्त्यमाने स्वपि स्वयं अव्यावृतत्वात्, इन पांचों कोशों के परस्पर व्यावृत्त होने पर भी आत्मा कहीं से भी व्यावृत्त नहीं है, सब जगह उसकी अनुगति है। स्वप्न में जो है स्थूल शरीर की व्यावृत्ति हो गई अन्नमय कोष की, सुषुप्ति में बाकी और तीन की भी हो गई, समाधि में आनंदमय की भी हो गई, पांचों के पांचों कोषों की व्यावृत्ति हो गई, लेकिन आत्मा तो सर्वत्र अनुगत है, इसलिए आत्मा उनसे भिन्न है, इनके व्यावृत्त होने पर भी स्वयं व्यावृत्त नहीं। यदि येषु व्यावर्तमाने स्वपि न व्यावर्तते तत्तेभ्यो भिद्यते, जो जिनके व्यावृत्त होने पर भी स्वयं व्यावृत्त नहीं होता वह उनसे भिन्न होता है। यस्मा यथा कुसुमे व्य सूत्रम, पुष्पों की माला बनाए हो, एक पुष्प के बाद दूसरा पुष्प आया, दूसरा पुष्प जहाँ पहला वाला नहीं है लेकिन उसके भीतर भी सूत्र है, तीसरा पुष्प है वहाँ पे बाकी दो पुष्प नहीं लेकिन वहाँ भी सूत्र है, चौथा पुष्प है वहाँ पे बाकी तीन पुष्प नहीं लेकिन वहाँ भी सूत्र है, तो पुष्प तो बदल रहे हैं लेकिन सूत्र सब जगह है, इसलिए सूत्र पुष्पों से भिन्न है। ऐसे आत्मा हो गया सूत्र स्थानी, सभी में अनुगत है, और अवस्थाएं जो पांचों कोष है अनुवृत्त व्यावृत्त व्यावृत्त हो रहे हैं, इसलिए आत्मा उन सबसे भिन्न है। यथा वह खंडादि व्यक्तिभ्यो गोत्व, खंडादि व्यक्ति से गोत्व अलग है, चाहे खंड गौ हो चाहे मुंड गौ हो, मुंड गौ कहते हैं जिस गौ की श्रृंग टूट गई है, किसी किसी गाय की श्रृंग जो है उसकी श्रृंग टूट जाती है, कहीं लड़ाई करते हैं अथवा कुछ कहीं फंस करके उसकी श्रृंग टूट गई, उस गौ को कहते हैं मुंड गौ, और किसी गाय की पूंछ कट गई है, पूंछ में कुछ जो है कुछ सड़ गया कुछ हो गया कट गई, उसको कहते हैं खंड गौ। तो जिसकी सिंग टूटी हुई है मुंड गौ, अथवा जिसकी पूंछ कटी हुई है खंड गौ, तो गाय अलग अलग है, जो मुंड है वह खंड नहीं, जो खंड है वह मुंड नहीं, लेकिन दोनों में गोत्व तो बराबर है, तो गो व्यक्ति के बदलने पर भी गोत्व सभी में है। ऐसे मनुष्य ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, देवदत्त चैत्र मैत्र अलग अलग है, लेकिन सब में मनुष्यत्व बराबर है, तो व्यक्ति के बदलने पर भी गोत्व जैसे एक रहा, इधर मनुष्य में व्यक्ति के बदलने पर भी मनुष्यत्व सब में रहा, इसलिए मनुष्यत्व उन सभी व्यक्तियों से अलग है, सामान्य है,
गोत्व सभी गो व्यक्तियों से अलग है, सामान्य। इस तरह से इसी प्रकार आत्मा सभी कोषों से अलग है, सब में अनुगत है, आत्मा इनसे भिन्न है, ये बात सिद्ध हो गई। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कोष पंचकात् विविक्तस्य आत्मनो ब्रह्म प्राप्तिर भवत इति उक्तम। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के द्वारा, पांचों कोषों से जो विवेचन किया गया है आत्मा, उस आत्मा को ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है ब्रह्म रूप से, क्योंकि निर्विशेष हो गया आप, तो वह भी चेतन या भी चेतन, विशेषण अंश को जो है हटा दिए तो ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव हो जाता है, कह दिया गया। तत्प्रतिपादिकाम, और ये जो अनुवृत्ति व्यावृत्ति दिखाए गए, आत्मा कोषों के विवेचन का प्रकार दिखाया गया, ये केवल यही नहीं, ये तो इसका मूल तो श्रुति है, श्रुति कठोपनिषद में आया है, इसलिए तत्प्रतिपादिकाम उसका प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, कठ श्रुति, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनाना हृदय निश्चिन्निविष्ट, इस तरह का, हाँ, तो वहाँ मुंज मुंज वाला दृष्टांत दिए है वहाँ पे, तम प्रबृहित मुंजादिशिक धृत्या, इस तरह से वह मंत्र आया है कठ उपनिषद में, षष्ठ वल्ली का 17वां मंत्र। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा, यहाँ पे जो है जो मुंज घास वाला दृष्टांत दे करके विवेचन करके दिखाए हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बताए हैं इत्यादि काम, ये जो श्रुति आई है पांच कोषों से विवेचन को बताने वाली। और इसी प्रकार तम विद्या शुक्रम अमृतम, तम विद्या शुक्रम अमृतम, तो अलग कर दिए पांचों कोषों से, तो वही जो शुक्र है, शुद्ध है, अमृत स्वरूप है, ऐसा जाने। यहाँ तक कि वो जो श्रुति है जो कि पांचों कोषों से विवेचन करने पर ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा को होती, इसका प्रतिपादन करने वाली। तित्यंताम कट श्रुति, वहां तक की जो कट श्रुति है, अर्थतः पठन, शब्दतः नहीं, शब्द तो अलग है किंतु अर्थ वही है जो कठोपनिषद में आया। तो श्लोक नंबर 42 देखिए, यथा मुंजादीशिक महात्मा युक्त्या समुद्रितः, शरीर त्रितया धीरैः, परं ब्रह्मैव जायते, यथा इशिका मुञ्जात् एवं आत्मा युक्त्या समुद्रितः, नहीं, यथा इशिका मुञ्जात् एवं आत्मा शरीर तृतयात् युक्त्या समुद्रितः धीरे समुद्रितः परम ब्रह्मैव जायते, एक ही पंक्ति है पूरा, एक ही अन्वय हो जाएगा। यथा मुञ्जात् इशिका, यथा इशिका मुञ्जात् एवं धीरे ही आत्मा शरीर तृतयाद युक्त्या समुद्रितः परं ब्रह्मैव जायते, इस तरह से अन्वय हो गया। जैसे मूंज घास से इसिका यानी डंठल को अलग कर लेते हैं चटाई बनाने वाले, वो जो है पत्थर, उसके जो पत्ते बड़े नुकीले होते हैं, तो बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो उंगली कट जाएगी, और ज़्यादा जोर लगाएंगे तो डंठल इसिका जो है टूट जाएगा, चटाई क्या बनाओगी। जैसे मूंज घास, मूंज से इसिका को, डंठल को युक्ति से निकालते हैं, इसी प्रकार धीरों के द्वारा, धीर पुरुष विवेकियों के द्वारा, है ना, जो साधन संपन्न अधिकारियों के द्वारा, तीनों शरीरों से आत्मा युक्ति के द्वारा जब समुद्रित हो जाएगा, निकाल लिया जाएगा, अलग करके जान लिया जाएगा, तो आत्मा परम ब्रह्म ही हो जाते, परम ब्रह्म रूप ही हो जाता है, परम ब्रह्म रूप, रूप तो रूप ही हो गया। इस तरह से वो जो है ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, इस बात को उपनिषद में बताया है, वही बात यहाँ बता दी। टीका में देख लीजिए, यथा इति, यथा यानी ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से मुंजाद, मतलब एतद नाम का तृण विशेषात्, मुंज नाम के जो घास विशेष से
इसिका यानी वो डंठल, गर्भस्थम कोमलम तृण, उसके अंदर जो स्थित है कोमल तृण, उसको युक्तिया, युक्ति के द्वारा क्या युक्ति लगाएंगे, बहिरावरकत्वेन स्थितानाम स्थूल पत्राणाम विभजन लक्षण उपाय। बाहर जो आवरक है डंठल को ढके हुए है, स्थूल पत्र पत्ते, उनको विभाग, उनका विभजन करते हैं, विभाग कर देंगे, उनको हटाएंगे पत्तों को, तो विभजन लक्षण उपाय न समुद्रीयते, विभाग रूपी उपाय के द्वारा आत्मा को वहाँ से, उसको डंठल को वहाँ से निकाल लेती है। एवं आत्मा भी युक्तिया, इसी प्रकार आत्मा भी युक्ति के द्वारा, युक्ति तो अभी बता दी, अन्वय व्यतिरेक अनवृत्ति व्यावृत्ति भान अभान, अन्वय व्यतिरेक लक्षणों उपाय न, इस रूपी उपाय के द्वारा शरीर तृतया, यानी पूर्वोक्ता शरीर तृतया, पूर्वोक्त जो तीन प्रकार के शरीर है उनके शरीरों से धीरे धीरों के द्वारा समुद्रित कर लिया जाता है। धीर यानी कौन, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न अधिकारी भी ही, ब्रह्मचर्य आदि साधनों से जो संपन्न अधिकारी लोग हैं, उन अधिकारियों के द्वारा, ऐसे धीरों के द्वारा, विवेकियों के द्वारा समुद्रित यानी पृथक पृथक, आत्मा को पृथक पृथक कर लिए तो, यदि कर लिए तो, यदि क्यों लगाए, क्योंकि कठिन है, सभी नहीं कर पाएंगे, इतना आसान भी नहीं है, बहुत इसीलिए तत्पर होना पड़ता है। तो सब परम ब्रह्म हो जाए थे, परम ब्रह्म रूप ही हो जाता है, क्यों, कैसे परम ब्रह्म हो जाते, वो अलग है, अलग बोले नहीं, चिदानंद रूपत्व लक्षण सुभय और अविशिष्टत्वाद, दोनों का लक्षण समान हो गया, पहले विशेषण को लेकर के भेद मालूम पड़ रहा था, लेकिन विशेषण अंश को ही अलग कर दिए, पांचों कोषों को ही अलग कर दिए, तो ये भी चेतन, वो भी चेतन, तो चिदानंद रूपता रूपी जो लक्षण है दोनों में अविशिष्ट यानी समान है, इति अभिप्राय है। इसलिए आत्मा पांचों कोषों का विवेचन करके धीर लोगों के द्वारा परम ब्रह्म रूप ही हो जाता है, परम ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेते हैं, ये अभिप्राय है। आगे हम लोग अभी चार दिन अनध्याय रहेगा, पहले तीन दिन रहता था, इस बार थोड़ा एक दिन और एक अधिक है, इसलिए हम लोग 31 मार्च को पाठ करेंगे, चार दिन बीच में अनध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शां